सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का एग्जाम होता है NICL असिस्टेंट का, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और पेपर काफी इजी है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये बोलूंगा बार बार कि आप प्लीज पैनिक मत होइए कि बहुत सारे बच्चे रूमर्स फैला रहे हैं कि वो 80 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। सो इस चीज से आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अपना एग्जाम में बेस्ट देकर आना है जो सेकेंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे इस चक्कर में मिस कर जाते हैं कि बाकी स्टूडेंट तो 80 प्लस कर रहे हैं तो हमको भी 80 प्लस करना है, और क्या देखने को मिलता है, कट ऑफ जो है 60 जाता है। और वो बच्चे सोचते हैं अगर मैं 60 अटेम्प्ट किया होता तो मेरा कट ऑफ हो जाता क्लियर। सो बिल्कुल भी, अगर आप 65 to 70 अटेम्प्ट करते हैं ना तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पक्का। लेकिन हाँ, पेपर बहुत ज्यादा इजी है। जो बच्चे अपने ST पोर्टल में प्री में जितने भी एग्जाम दिए थे आज के एग्जाम से पहले, जितने भी ST के स्पीड टेस्ट, अगर वो वहां पर 45 to 50 अटेम्प्ट कर रहे थे ना तो वो बच्चे इजिली 65 to 70 अटेम्प्ट करेंगे। पेपर बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है ना। सो फटाफट आते हैं एनालाइज पर, क्या क्या पेपर में था आज। ये था हमारा रीजनिंग सेक्शन, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं सिलॉग से, ठीक है ना। और ये ओल्ड वाले पैटर्न ही है, जो पहले था पैटर्न, कोई न्यू पैटर्न वाला रिवर्स वाला नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग ये भी ओल्ड पैटर्न के ही है जो ओल्ड वाले थे। सो प्लीज आप ये भी अटेम्प्ट करना, ये भी अटेम्प्ट करना। तीसरा थ्री पजल है, और एक है सर्कुलर वाला इन आउट, और एक है नॉर्थ साउथ फेसिंग लीनियर वाला, ठीक है ना। सिर्फ नॉर्थ एक ही रह रहा है, नॉर्थ साउथ नहीं, सिर्फ एक नॉर्थ वाला, ठीक है ना। सो 10 हो गए, और एक कुछ था स्क्वायर वाला, और ये तीनों पजल काफी इजी है, ठीक है ना। सो इजिली करना, जितने भी ट्रिक मैंने बताया पजल के ऊपर वैसे ही करना है, ठीक है ना। और अल्फा सीरीज से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। सपोज कर लो, कहने का मतलब है ABCBC, तो लास्ट उसके बाद जो आएगा ABC ये क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन 5 थे टोटल, ठीक है। और डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन है, बहुत इजी है। और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत ज्यादा इजी है। तो अगर पूरा एनालाइज किया जाए रीजनिंग सेक्शन को तो ये इजी बहुत ज्यादा है। अच्छे जो मैं अटेम्प्ट करूं ना तो 20 to 25 गुड अटेम्प्ट है, ठीक है ना। और ये बिलो एवरेज बच्चे भी 20 अटेम्प्ट कर लेना है। सो पेपर बहुत इजी है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। और जितने बच्चे भी रिमर्स फैला रहे हैं ना कि वो 80 प्लस कर रहे हैं, 85 प्लस कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको उस बारे में सोचना नहीं है कि हमको भी 80 प्लस अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। सो अपना बेस्ट देकर आना है एग्जाम में। और मैथ से तो क्या बोलूं, बहुत ही ज्यादा इजी है। 10 सिंप्लीफिकेशन है और सारे सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, ठीक है ना। DIB हमारा इजी आ रहा है, और सीरीज 5, और जो मैंने कल अपलोड किया था सीरीज के ऊपर डाटा जो 2017 के एग्जाम में आ चुके हैं, अगर वो जो बच्चा मेरा वीडियो देखा था ना वो आज 5 के 5 सीरीज क्लिक कर गया होगा बहुत जल्दी, विद इन 2 मिनट 5 इजली अटेम्प्ट किया होगा, जो बच्चे मैंने वो वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना। और मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में जो कल मैंने करवा दिया था इजी, ठीक है ना। अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन है, तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं गुड अटेम्प्ट तो 20 to 22 बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 10 यहां अटेम्प्ट कर दो, 5 15 5 20, और अर्थमेटिक के कुछ कुछ सम बहुत इजी है तो 2-3 आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो यहां पर, ठीक है ना। और इंग्लिश के लिए बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोला था क्लोज टेस्ट एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और देखिए आज 10 क्लोज टेस्ट आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में, और ये बहुत इजी था, ठीक है ना। और जो पैसेज आ रहा है ना, सेकेंड प्रेफरेंस आप दीजिएगा पैसेज में, जो स्टोरी बेस्ड आ रहा है बहुत इजी है, तो आप 3 या 4 नंबर इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कट ऑफ भी मेरे मोर और लेस 10 to 12 भी जाएगा, ठीक है ना, अगर आप अच्छे से करते हो तो ये हो जाएगा। और एरर्स भी कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां की बात करूं गुड अटेम्प्ट, तो मैं बात करूं तो 10 to 13, ठीक है ना। तो अगर ओवरऑल की बात करूं मैं, तो अगर आप 60, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको प्लीज 80 वाले चक्कर में मत पड़िए कि 80 सब कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, 60 to 70 के बीच में कट ऑफ जाएगा 110%, ठीक है ना। सो अच्छे से करना, लेकिन एक चीज हो सकता है NICL का सीट कम है तो कट ऑफ ज्यादा जा सकता है, लेकिन अभी तक के एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं 60 to 70 कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना। और सीरीज बहुत ही जीते हैं आज के, बहुत ही ज्यादा जीता सीरीज, देखिए यही था आज के 4 सीरीज फर्स्ट शिफ्ट में यही थे, जो बच्चे मेरे कल वीडियो देखे थे ना वो फटाफट कर लिए होंगे। देखिए कुछ नहीं था, 3 to 4 क्या है, 3 into 1 3 into 1 3 plus 1 4, 4 into 2 4 into 2 8 8 plus 2 10 same 10 into 3
33 + 10 × 3 = 30 + 3 = 33। तो यही पैटर्न फॉलो होना फर्स्ट वाले में, ठीक है ना। तो आप देख लेना कोई सा भी मिसिंग था, ये वाला मिसिंग था, ये वाला मिसिंग था, आपको बाहर निकालना था। सेकेंड में क्या हो रहा है, 3, 5 क्या है, 9, 15, 23। और इसका गैप देखो आप, इसका गैप क्या था, इस दोनों का गैप 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। और थर्ड वाला ही बहुत इजी आ रहा है पेपर, बहुत ज्यादा ही पेपर इजी आ रहा है, ठीक है ना। सो अच्छे से करना, और बिल्कुल भी मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, आप प्लीज 80 वाले चक्कर में मत पढ़ना, जो बहुत सारे बच्चे रूमर्स फैला रहे 80 प्लस कर रहे हैं, 85 बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आप अपना बेस्ट देकर आना एग्जाम में, देखो 6 वाले 5, 10, 17 यहां पर क्या था, 5, 10, 17 आपका 26 एंड ये था आपका 64, 101, 36, 37, ठीक है ना। अब इसका गैप देख लो आप, 5, 7, 9 एंड 13, 11। सो हमारा ये फॉलो कर रहा ऑड नंबर, और ये बहुत इजी था, 0 × 5, ठीक है ना। क्या होगा, 8 × 0 = 5, 4, 4 × 1, 4 एंड 4 × 1.5, 6 एंड 6 × 2, 12। मतलब क्या हो रहा है, 0.5 सारे में इंक्रीज हो रहा है और उस नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। सपोज करो ये हो रहा है 0 × 5, तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 × 1, 4 और ये वाला ये 4 × 1, 4 ये 4 × 1.5 ये 6 × 2, मतलब 0.5 करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। सो पेपर बहुत ही जी आ रहा है, अच्छे से देना और बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना।